ये कहाँ ले आया है? बोस्निया के लोग परेशान ना हो, भूखे ना मरे और सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरायेवो। कल रात को हमने अपनी कंट्री नंबर 5 बोस्निया एंड हर्सेगोविनिया में एंट्री ले ली थी। हमको मजबूरी में कल रात को एंट्री लेनी पड़ी। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने बताया कि हम गए थे डोरमेट्रो नेशनल पार्क और वहाँ अकोमोडेशन हमारे रास्ते में नहीं मिल रही थी, 60 किलोमीटर दूर मिल रही थी, जो कि हमने ठीक नहीं समझा। हमने कहा कि चलो रास्ते में ही ले लेंगे, लेकिन रास्ते में पूरा पार्क करते करते हम बोस्निया के बॉर्डर पर ही आ गए। रात को हम बहुत थक गए थे और बस बैग पटके खाना हमने बॉर्डर पर ही खा लिया था, तो सीधा हम सो गए। आज सुबह उठ के अंकित वीडियो एडिटिंग में लगा हुआ है, मैंने सोचा चलो सरायेवो देख कर आते हैं। हमारे होटल से सरायेवो ओल्ड टाउन जो है वो करीब 16 किलोमीटर है और 40 मिनट गूगल दिखा रहा है, तो चलते हैं देखने सरायेवो। होटल के रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी हुई थी रिसेप्शनिस्ट, उससे मैंने पता कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हम देख सकते हैं और कोशिश करते हैं वो सब चीज़ें देखने की। सरायेवो में ट्रैफिक दिखा रहा है, देखते हैं। होटल में हमको इंटरनेट मिला मगर चलता नहीं है बिल्कुल भी, और कल तो हमारा इंटरनेशनल रोमिंग भी पता नहीं बोस्निया में नहीं चला, आज सुबह जाके चला है बट बहुत स्लो है। ब्राइट एंड सनी डे है और तारीख हो गई है 5 अक्टूबर, पता ही नहीं चला कब इतने दिन बीत गए और हम अपनी 5वीं कंट्री में भी आ गए हैं। सरायेवो में ठंड शुरू हो गई है, अब आपको कुछ लोग हाफ स्लीव्स की जैकेट और स्वेटर में भी पहने दिखेंगे। पिछली कंट्रीज़ के मुकाबले अब ठंड है यहाँ और अब ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी ही जैसे जैसे हम यूरोप में आगे जाएंगे। सरायेवो बोस्निया एंड हर्सेगोविनिया की कैपिटल सिटी है, तो ट्रैफिक होना तो लाजमी है ही। ये पुलिस वाले ने पीछे आने वाली गाड़ी को रोक लिया है, शायद उसने रेड लाइट पार करी है। यूरोप में ट्रैफिक नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं पुलिस वाले अगर आपको पकड़ लें, और वो चाहे जितना मर्जी आप रिक्वेस्ट कर लें वो छोड़ते नहीं हैं। बेटर है कि फाइन से बचने के लिए आप रूल्स फॉलो करें। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले सरायेवो का ओल्ड टाउन देखने, क्योंकि किसी भी सिटी का ओल्ड टाउन जो है वो उसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और कल्चर बताता है। 11 किलोमीटर और है ओल्ड टाउन, तब तक सरायेवो की सड़कें, सरायेवो की बिल्डिंग्स नए टाउन की वो देखने को मिल रही है। बीच में कैनाल है, क्रूज इसमें चलता है नहीं ये पता नहीं, कुछ कंट्रीज में तो बीच में क्रूज चलता है। वो देखो बीच में बैठने की कितनी सुंदर जगह बनाई हुई है, आराम से बैठ के एंजॉय करो। इधर बसेस इलेक्ट्रिक भी हैं और नॉर्मल बसेस भी हैं। ऊपर देख रहे हैं आप लाइन लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, उसी से कनेक्ट होके बसेस चलती हैं। वो देखिए आगे मेरे बस है और वो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ, अच्छा नहीं ये बस नहीं है, यहाँ पर इस लाइन पर ट्रेन चल रही है। तो मतलब मिक्सचर ऑफ ट्रैफिक है, बस, ट्रैम, कार, मोटरसाइकिल, और कोई भी आदमी यहाँ एक दूसरे की लेन में नहीं आएगा बिना इंडिकेटर दिए हुए। कोई देखिए हज़ारों में से कोई एक आधा, जैसे वो कार वाला था 158 वाला, वो हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पेशेंटली ही आराम से चलाते हैं गाड़ियाँ, और अगर लेन चेंज भी करनी है तो वो इंडिकेटर ज़रूर देंगे। इसीलिए आप यहाँ एक्सीडेंट्स और रोड रेज कुछ नहीं देखेंगे, सब पीसफुली चलते हैं, और साइकिलिस्ट की पूरी रिस्पेक्ट है यहाँ रोड पर, पेडेस्ट्रियन की भी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, ओल्ड एज, बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ रोड पर, एंड दे आर गिवन दी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन दी रोड्स। सरायेवो का ओल्ड टाउन जो है वो पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से सरायेवो जो पहले बसना शुरू हुआ होगा वो पहाड़ की चोटी पर ही बसा होगा, उसके बाद धीरे 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 नीचे की तरफ आता गया होगा जब वाटर लेवल यहाँ के रिवर्स, कैनाल्स और उसमें कम हुआ होगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले नीचे नया शहर बसे और फिर बाद में पुराना शहर बसे। तो दिल्ली भी ऐसे ही है, जैसे पहले दिल्ली बसी थी, सबसे पहले पुरानी दिल्ली, उसके बाद दिल्ली फैलती चली गई चारों दिशाओं में। देखिए सेब के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ, तो अभी तक सेब नहीं दिखा था, यहाँ बोस्निया में सेब के पेड़ दिखने शुरू हो गए हैं। और ये भी एक पेड़ है, देखते हैं इस पर भी क्या लगा हुआ है, इस पर भी सेब ही लगा हुआ है।
तो फ्रूट भी चेंज हो गया है यहाँ कंट्री चेंज होने से। पहली चार कंट्रीज में आपको मैंने बताया था कि ग्रेप्स, अनार और कीवी खूब लगा हुआ था और संतरा और नींबू बहुत था। यहाँ अभी सेब ही सेब दिख रहा है, देखे सब सेब है, मगर सेब का साइज छोटा है लेकिन सारा सेब लगा हुआ है। हमारा जो हिमाचल और का सेब है और किन्नौर का सेब है लाजवाब है, वो तो सब जगह एक्सपोर्ट होता है। अभी इस समय यूरोप में टूरिस्ट कम है क्योंकि ये ऑफ सीजन होता चला जा रहा है, सर्दियाँ ऑनसेट हो गई हैं तो इसलिए टूरिस्ट कम है। बिल्कुल ही अंदर लेता जा रहा है ये, तो कितना शानदार गुलाब लगा है, हर रंग का गुलाब है। ये कहाँ लिया है, काफ़ी पुराना ग्रेवयार्ड है, ऐसा लग रहा है पूरा शहर ही दफन है यहाँ। ओहो बहुत दूर तक है, तो बहुत दूर तक है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है, वो देखो नीचे तक। ये तो ऐसा लग रहा है पूरा शहर यहीं दफन है, ये इस शहर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री। ये कहाँ ले आया है, मैं आया हूँ हिल टॉप पर बिल्कुल, जहाँ से पैनोरामिक व्यू मिलता है सरायवो का, और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। सन बहुत तेज़ है लेकिन व्यू देखें आप, वो वहाँ से वो बिल्डिंग हमारे रास्ते में आई थी दूर, खूबसूरत सेमेट्री यहाँ भी दिख रही है, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत शहर लगता है। वाह क्या व्यू है यहाँ। मैं पहुँच गया सरायवो के ओल्ड टाउन में, यहाँ सब कबूतरों को खिला रहे हैं दाना, कैफेज भरे हुए हैं, वो देखो हाथ पे कबूतर। यहाँ मॉस्क भी है एक लेफ्ट पे, ये ऐसा लग रहा है हमारा जनपद दिल्ली का, ये है यहाँ की मॉस्क। पूरा बाज़ार भरा हुआ है सोवेनियर शॉप से, शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। वो जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं उसको ये बोलते हैं लैटिन ब्रिज। वो सामने आपको क्लॉक टावर दिख रहा है इनका, घड़ी में बजे हैं 1:10-12। सब तरफ कैफेज है, भीड़ देखो आप। ये है यहाँ का बेसिलिका, तो ये है गाजी हुसैन बेग्स मॉस्क। ये है यहाँ सरायवो की ओल्ड सिटी, भरी हुई है पब्लिक से, जो कि घूमने आए हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गिफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं ले जाने के लिए। सामने अंदर वॉक करके अभी आपको दिखाया मैंने, धूप बहुत तेज़ है इस समय। ये देखो जी नॉन वेजिटेरियन गाड़ी से अनलोड हो रहा है। अब जा रहा हूँ मैं टनल ऑफ होप, जो कि बॉस्निया वॉर में बनाई गई थी 1993 में, बॉस्निया और सर्बिया की जब लड़ाई हुई थी तब बनाई गई थी 1993 में ये टनल। सुना यही है कि ये देखने लायक है ज़रूर, म्यूज़ियम वगैरह देखते हैं वहाँ जाके। इस टनल से ही सप्लाईज और वेपन्स आया करते थे बॉस्निया के लिए। 25 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 12 किलोमीटर दूर, देखते हैं। फ्यूल भी डलवाना है बॉस्निया में, देखते हैं फ्यूल कितना है। अभी तक जो सबसे महंगा फ्यूल डलवाया है वो हमने 2.2 यूरोस का डलवाया है, वो था यूरो 100, और वो डलवाया था हमने अल्बेनिया में। बॉस्निया में कितना, नॉर्थ मैसेडोनिया कसोवो में सस्ता था फ्यूल, मॉन्टेनेग्रो में भी 1.69 का था फ्यूल, सबसे सस्ता था कसोवो में। अब यहाँ कितने का है फ्यूल वो चेक करेंगे। ये सारी बिल्डिंग्स जब हम ऊपर गए थे पैनोरामिक व्यू लेने, तो ये सब बिल्डिंग्स ऊपर से दिख रही थी, स्टीप चढ़ाई है। बोलीविया की याद आ गई, बोलीविया शहर भी पूरा पहाड़ों पर बसा हुआ है, बोलीविया जो कंट्री है पूरी वो पहाड़ों पर ही बसी हुई है, और उसमें इससे भी ज़्यादा चढ़ाई है, इससे भी ज़्यादा चढ़ाई और उतराई है। 2.84। अब ये यूरो है या इनकी करेंसी है, मेरे ख्याल से इनकी करेंसी होना चाहिए, अगर इनकी करेंसी है तो करीब 1.5 यूरो का है। हम पहुंच गए टनल ऑफ होप, अब देखना है एंट्री कहाँ है, क्योंकि गूगल बाबा तो बस छोड़ देते हैं लाके, यहीं कहीं होनी चाहिए। टनल म्यूजियम एंट्रेंस पार्किंग, ओके यहीं है कहीं, मिल तो गई है, टिकट है क्या। तो यहाँ कार्ड लेते नहीं है, यूरो लेते नहीं है,
और लिखा भी है इन्होंने, और हम यूरो और कार्ड लाए हैं, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लगता है कि आज हमारी किस्मत में ये देखना लिखा ही नहीं है, सो वी विल हैव टू गो बैक। तो ये है सामने वो टनल जिसको टनल ऑफ होप कहते हैं, जो बॉस्निया वॉर के समय में बनाई गई थी, ताकि जब बॉस्निया और सर्बिया में लड़ाई हुई थी तो बॉस्निया कट ऑफ ना हो जाए सप्लाईज से और आम से, और वो ठीक से सर्वाइव और लड़ सके। तो इस टनल के जरिए दो गांव थे जहां से सप्लाई आती थी, फूड सप्लाई और आम सप्लाईज, ताकि बॉस्निया के लोग परेशान ना हो, भूखे ना मरें और जंग लड़ सके बॉस्निया। इतनी जानकारी मुझे बस यहां के लोगों से मिली है, बाकी तो सोशल मीडिया से, आपको गूगल से पढ़ना पड़ेगा मेरे को। और अंदर एंट्री हो नहीं पा रही है बिकॉज मैं यूरो कैरी कर रहा हूँ और कार्ड कैरी कर रहा हूँ, और ये कहते हैं जी नो यूरो एक्सेप्टेड, नो कार्ड एक्सेप्टेड, सिर्फ लोकल करेंसी चाहिए, और उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल मैं आउटस्कर्ट्स में हूँ टनल के लिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं वापस जाके और फिर चेंज करा के और फिर वापस आऊँगा। और वो आप सामने देख भी सकते हैं दीवार पर बुलेट के मार्क्स, लड़ाई के दौरान लगे होंगे ये देखिए बुलेट के मार्क्स, ये सारे बुलेट होल्स हैं। सॉरी दोस्तों, टनल अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, हमारी बैड लक या इनकी बैड लक कि हम नहीं देख सके टनल को। बहुत दूर होटल से करीब करीब 22 किलोमीटर और एक घंटे की राइड करके यहाँ पहुँचे थे, और मायूस होना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो फिर कभी करेंगे। सरायवो में हम पहली बार फ्यूल डलवाएंगे, देखते हैं कितना है। वैसे तो लिखा है 2.76। अब ये यहाँ की करेंसी है या यूरो है? अगर ये यहाँ की करेंसी है तो करीब 1.5 यूरो है। बेंजीन 95, यस। यस, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं 2.76 है, अभी जब पेमेंट करेंगे तो पता चलेगा ये यूरो है या यहाँ की करेंसी है। नहीं यार, यूरो नहीं हो सकता, इतना महंगा थोड़ी ना हो जाएगा, 280-290 रुपए लीटर पेट्रोल। फुल करा लेते हैं ताकि फिर कल प्रॉब्लम नहीं होगी। लो जी, फुल हो गया है, आया है 7.8। KM यहाँ की करेंसी के हिसाब से फ्यूल डला है। सरायवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था सरायवो 1425 डेज, 1425 दिन अंडर सीज, मतलब 1425 दिन लड़ाई चली यहाँ पर। 1425 दिन का मतलब हो गया करीब 4.5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल। तो ये सामने हमारा है होटल, होटल ड्रीना। कल रात को 11:30 बजे यहाँ एंट्री ली थी हमने, और होटल अच्छा है। अब हमको करनी है पार्किंग, पार्किंग पीछे से जाएगी बाइक, ये आ गई जी हमारी बाइक, ये रही, ये ऊपर हमारा रूम। चलिए, कल तो होटल का आपको टूर नहीं दे पाए थे, आज दिखाते हैं आज हमारा ये होटल का रूम कैसा है। ये अभी तक का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा और बड़ा रूम है, और इस रूम के हमने 60 यूरो पर डे दिए हैं। दो दिन के लिए हमने बुक करा था, कल और आज, और कल हम सुबह ब्रेकफास्ट करके दूसरे सिटी के लिए निकल जाएंगे। 60 यूरोज़ में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है दोनों का। थोड़ा सा सिटी से दूर है लेकिन होटल अच्छा है, क्योंकि हमारा सब लगेज इतना है तो हमको स्पेस चाहिए होता है सामान रखने के लिए। यहाँ इस रूम में हमारे पास स्पेस बहुत है। ये दिखा दूँ, ये इसका डाइनिंग ब्रेकफास्ट रूम हॉल है, बहुत बड़ा, यहीं हमने ब्रेकफास्ट करा था। और ये बड़ा पॉपुलर होटल है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, लोग बाहर से बहुत आते हैं यहाँ। सुबह ये पूरा भरा हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। और हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पर, ये आ गया हमारा रूम, रूम नंबर 1, ट्रीना।
क्या भूचाल आ गया। चलो जी रूम देख लो, कितना स्पेशियस रूम है हमारे पास। 60 यूरो दिए हैं इस रूम के हमने पर डे।